जैसा कि मैंने बताया था कि लोअर पीसीएस की जो तैयारी करने के लिए लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, इन सबके जनरल स्टडी के सिलेबस में इतिहास है, तो इतिहास का रोल अहम रहा है। हाँ, कभी कभी इसके सूर्य जो है पश्चिम चले जाते हैं, कभी कभी सूर्य पूर्व में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहास को छोड़ना हमारे लिए मूर्खतापूर्ण प्रश्न होगा। और इतिहास हमें पढ़ने उद्देश्य जो रखने का है वो प्रत्येक आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, या अन्य कोई भर्ती कर्मचारी चयन आयोग हो, तो इतिहास के जो प्रश्न है हर परीक्षाओं में आते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन बिना इतिहास के हम आगे बढ़े ऐसा मुश्किल नहीं है। इसलिए हमें भारत के इतिहास के बारे में तो पढ़ना ही होगा। उसके लिए मैं लगातार कई दिन से सर्च करते करते अपने पुराने मित्र अरुण तक पहुंच गया, लेकिन अब तो इन्हें अरुण तो नहीं कह सकते, भाई डॉक्टर अरुण कहना चाहिए, लेकिन कुछ दिन बाद कहेंगे। ये मेरे साथ टीडीपीटी कॉलेज से पढ़े हुए साथ में हम लोग थे, और बाद में इनकी पीजी जो है बेचूस हुआ, इस समय नेट है, और रिसर्च के लिए भी डिग्री इनके अप्रूवल होने के लिए है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी पढ़ाना चाहते हैं, और इनकी भी इच्छा है कि जो इनके पास जितना है वो आपको दे सके, क्योंकि आप जानते हैं सदियों से कही आ रही है ज्ञान जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, संचित करने से इसका लगातार ह्रास होता रहता है, तो हो सकता है इनके बांटने से आप तक भी फायदा पहुँचे और आप भी इससे लाभान्वित हो, और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी आए हाँ अरुण सर ने बेहतर पढ़ाया, इस समय डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं अरुण सिंह, आप लोगों को मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और देखिए, हिस्ट्री जो है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और बस ये समझ से आएगा आप लोगों को, और इसमें आप कुछ भी जैसे सिर्फ कंटेंट कहीं से मिल जाए आप वैसे पढ़ लें तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक बार समझ आपको विकसित हो जाएगी, आप हूबहू करने लग जाएंगे, बस समझने की देर है, ठीक है। और जो तैयारी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो आपको बेहतर से बेहतर कराई जाएगी, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं दुर्गेश सर, ये काफ़ी बेहतर जानते हैं इन सब के बारे में, और इनका कोई जो है जोड़ी नहीं है उस मामले में, ठीक है। और बाकी जो हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि दुर्गेश सर ने बताया, मैं बीएचयू से जो है रहा हूँ, ठीक है, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से भी रहा हूँ पहले ग्रेजुएशन के दौरान, और मुंबई रिटर्न भी हूँ, और मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज में मैं पढ़ाता भी हूँ, बट वो एक प्राइवेट कॉलेजेस है, बट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और अभी तो रिसर्च जो है चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे जो है मेरा जैसा कि इन्होंने कहा डॉक्टरेट हो जाएगा, लेकिन मैं अपना ज्ञान जो है बढ़ाना खुद चाहता हूँ और आप लोगों का भी, ताकि हिस्ट्री को लोग जो समझ सके, क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए भाई व्हाट इज़ हिस्ट्री, ठीक है, ऐसे तो व्हाट इज़ हिस्ट्री एक बुक है बहुत फेमस राइटर एडवर्ड हेलेट कार, E.H. कार, हम लोग बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, बहुत ही फेमस जो है हैं, और तो लोग बोलने लगे भाई बीती हुई घटनाओं को पढ़ना ये वो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो एक मानना है, पहले तो सच कहें तो अगर जब बहुत आप डीपली इतिहास पढ़ेंगे तो आप इतना समझ सकते हैं कि इतिहास को समझा जा सकता है, उसको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक मानने के लिए इतना हम ज़रूर मान सकते हैं कि भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकने वाली भूतकाल की उन घटनाओं का अध्ययन जो किसी का व्यक्तिगत विचार ना होकर प्रमाणिक तथ्य हो को इतिहास कहते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में है, और मुझे लगता है इससे कोई अच्छा जो है आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा। और इसी डेफिनेशन पे चल के अगर इतना हम जब समझ रहे हैं इतिहास में, देखिए क्या होता है कि आज इतिहास में जो हम मेंस लिखते हैं इतिहास के मेंस जब लिखते हैं, PCS हुआ, सिविल हुआ, या फिर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ रिसर्च के लिए, जैसे आपको क्रैक कराते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आपको आपके कंटेंट नहीं चेक करते हैं कि आपको कंटेंट कितने आते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इतिहास को कैसे ले रहे हैं, उन चीज़ों को जानना होता है। बस आप उसी लिए बस देखते रहिए इस ये वीडियो को, और दुर्गेश सर जो है मदद करेंगे, ठीक है, आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा और तैयार करिएगा। कल से सर पढ़ाएंगे और आपको बता देंगे कि किस तरह से ये पढ़ाएंगे, क्योंकि रणनीति देखिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक अच्छी रणनीति होनी जरूरी है। तो रणनीति के तहत देखिए, जैसा कि आप भी जानते होंगे इतिहास के 3 पार्ट है, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, लेकिन अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं एशियन और मॉडर्न से, एशियन से भी कमली मॉडर्न सबसे ज्यादा, कि मॉडर्न से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी जुड़ जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था जल्दी वही हो जाता है,
पॉलिटिक्स भी जुड़ जाता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आपके लिए बेहतर है। तो मैं सर से प्रयास करूंगा कि आपके लिए मॉडल से शुरू करें, क्योंकि आपके लिए कई चीजें फैक्ट होगा। और जब भी हम पीसीएस की बात करेंगे तो पीसीएस में सबसे ज्यादा मॉडर्न पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में एशियन जाता है, उसमें एशियन कल्चर का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है और यहाँ पे मॉडर्न का बोलबाला रहता है। तो हमने कई वर्षों का जब पेपर अध्ययन किया तो यह बात स्पष्ट होकर सामने आई कि मॉडर्न पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और मॉडर्न पढ़ने में मजा भी आता है, नए नए कंटेंट मिलते हैं। और बाकी तो सर हैं अरुण सर, और हम तो भाई अरुण सर ही कहेंगे, कुछ दिन बाद जब डॉक्टर जाएंगे तो डॉक्टर अरुण सर के आ जाएगा, लेकिन अभी तो हाँ, लेकिन जल्दी हो जाएंगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए मेहनत करेंगे। आप भी लगातार इनके लिए दुआएं करें सर, जल्दी से प्रोफेसर जो इनका ख्वाब है, और मुझे लगता है आप लोग की दुआएं लेंगे जरूर सर हो जाएंगे। हाँ एक बात और, आप लोग हिस्ट्री के लिए एक अच्छी सी सर बुक बताएंगे, कॉपी कलम रख लीजिए, कल से आपको कंटिन्यू लगभग एक घंटे के डेली सर वीडियोस देंगे, और आप इनके साथ मेहनत करिए, सफलता झकमार के पीछे आएगी। बस आप अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिए, सफल जरूर होंगे। ठीक, और फिर नेट के लिए भी सर आपके लिए साथ रहेंगे, और नेट की पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे सर अभी तक पहला दिन है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगे, आपको सारी बातें करेंगे, और जो इतिहास आज हम आपके लिए एक बड़ा सा बन गया, अरे पुरानी बातों को पढ़ना, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इतिहास है, मतलब इतिहास वर्तमान, इतिहास वह है जिससे हम वर्तमान के प्रकाश में अतीत को देखते हैं, या अतीत के प्रकाश में वर्तमान को हम देखते हैं, ये कह सकते हैं हम अतीत के प्रकाश में वर्तमान को हम देखते हैं, क्योंकि इतिहास स्वयं को दोहराता है। जैसे अभी मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक की योजना उस समय तो सफल थी, लेकिन आज वही योजनाएं, आज आके आज 200 साल बाद वही योजनाएं दिवेष्ट है, उसने विमुद्रीकरण किया, उस समय तो लगा कि भाई विमुद्रीकरण लोगों ने बड़ी योजना की, राजा सर की पागल। आज देखिए 8 नवंबर मोदी जी ने 1500 नोट बंद किए, राजधानी परिवर्तन, उस समय दौलतावास जब हुई दिल्ली से तो लोगों ने बड़ी अवहेलना की। आज देखिए अंग्रेज आए, 2 राजधानी रखे, देश के हमारे देश की 2 राजधानी थी, शिमला और दिल्ली। फिर सैनिक को अग्नि वेतन देना, तो उस समय तो नहीं, लेकिन आज देखिए लोन वगैरह। तो कहीं ना कहीं जो इतिहास को देखा जाए तो ये अतीत के प्रकाश को वर्तमान में देखा सकता है, और भविष्य के जो रास्ते प्रशस्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं सफल होने के लिए आज हम आप यहाँ खड़े, कहीं ना कहीं सफलता से कुछ कदम दूर है, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं। सफल होते कहीं और होते, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य मेरा भी भाग्य, हम आप मिल लिए। तो लेकिन सफलता के लिए माने ये नहीं रखता कितना पढ़ते हैं, माने ये रखता है कैसे पढ़ते हैं, और दूसरे जब जब असफल होते हैं जो जो गलतियां करते हैं हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन खुद की गलती करके सीखना चाहे तो उम्र ही कम पड़ेगी, इसलिए हमें दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए। इतिहास सदैव ये बताता है कि किस शासक ने, किस व्यक्ति ने कौन सी गलती की, क्या क्या ऐसी चीजें हुई जो इस तरह से बना। तो कहीं ना कहीं इतिहास वो सब्जेक्ट है जो हमारे भविष्य के मार्ग सदैव प्रशस्त करता है, और एक उज्ज्वल प्रकाश देता है जिससे हम भविष्य में एक सफल इंसान बनने का जो सपना सजोए हैं वो जल्दी से पूरा हो जाता है। और इतिहास में शायद मुझसे बेहतर अनुसर बताएंगे कि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा, हाँ यूपीएससी के लिए, और मैंने जो पढ़ा है तो मैंने एज ए सब्जेक्ट के लिए पढ़ा है, जीएस के लिए पढ़ा है, ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी हिस्ट्री का एक बहुत पुराना याराना है। हाँ, इस सब्जेक्ट का दोनों का संबंध बहुत ही अच्छा है, और इतिहास को कहा जाता है कि सभी जो है सोशल साइंस की अम्मा भी कुछ लोग कहते हैं। जी जी, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट से इसका जो है रिलेशन है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे मिलिट्री साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है, और इसलिए सारे सब्जेक्ट को मिला के हम देखते हैं, चाहे इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी तो इसमें बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये सोच के सोचते हैं हिस्ट्री तो भाई बहुत ईजी है कि इसमें राजा रानियों की कहानी पढ़नी है, ऐसा नहीं है, इसको बस समझना है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है और कोई भी चीज़ बहुत ही आसान नहीं होती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा, उनसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कल्चरल हिस्ट्री में ध्यान नहीं देते, कल्चरल से लोग भागते हैं कल्चरल हिस्ट्री पे, और फिर वो लोग गलती कर देते हैं, बोलते हैं अरे यार हिस्ट्री तो ऐसी है कि इसकी मिस्ट्री हमें समझ में ही नहीं आती है। और से फॉर एग्जांपल खैरुल मंजिल का जो है लोअर ये पीसीएस में आपके लास्ट टाइम आया था, तो महामनगा ने इसको बनवाया था खैरुल मंजिल मस्जिद, ठीक है। तो अब इस चीज़ को जो नहीं जान रहे, कल्चरल हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिए, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, और ये एक बार में ही वो हो जाता है चलते चलते, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो चलते चलते सोचते सोचते हर आदमी हर दिन रिसर्च करते रहता है। जैसे आप यहाँ से आप अपने घर गए, अपने घर से कहीं और जा रहे, तो आपके दिमाग में ये नहीं है कि आप रास्ते के बारे में सोच रहे, रास्ते को देख रहे सिर्फ, आप कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, वो भी एक क्या है, रिसर्च है, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और जो चीज़ आप जानना चाहेंगे और जिसमें इंटरेस्टेड रहेंगे वो आपको आती जाएगी, आप उसके हिसाब से ढलते जाएंगे, बस परिस्थितियों को अपने हिसाब से जो है ढालना है, ना कि
परिस्थितियों को अब अपने हिसाब से ढालना है, ना कि अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से, ठीक है। देन अब जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, ये तो मेरा इंट्रो है। थैंक यू, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शेयर कर दीजिएगा आपके लोअर पीसीएस अपर पीसीएस समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से इस हिस्ट्री के जो सिलेबस है अरुण सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। और अरुण सर की एक इच्छा है नेट के लिए ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं जो शहर से नहीं जुड़ पाए, अच्छे कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़ पाए, उनके लिए अरुण सर एक यहाँ प्लेटफॉर्म देंगे। वे सभी बच्चे अरुण सर के साथ पढ़ के नेट की तैयारी करके खुद JRF होके जो सपना सोचे हैं वो भी डॉक्टरेट हो सकते हैं और होंगे, क्योंकि यहाँ से जीत होती है। इसके बाद यहाँ से मजबूत है, यहाँ से मजबूत है, सफलता से कोई नहीं रुक सकता। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।